मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने ही बयान में खुद ही फंस गए हैं। जगदानंद सिंह ने खुद ही तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का बयान जारी किया और खुद ही पत्र जारी कर महागठबंधन के संबंध में बयान नहीं देने का फरमान जारी किया है। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार की विदाई और तेजस्वी की ताजपोशी की चर्चाओं के बीच आरजेडी ने अपने तमाम नेताओं को फरमान जारी कर दिया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शनिवार को पत्र जारी कर पार्टी के तमाम नेताओं को कहा कि वे गठबंधन सरकार और नेतृत्व के बारे में एक शब्द भी नहीं बोली। जो बोलना होगा वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोलेंगे। बता दें कि आरजेडी ने ऐसा ही फरमान तब जारी किया था जब बिहार में सत्ता का फेरबदल होना था। नीतीश के पाला बदलने से पहले राजद ने अपने तमाम नेताओं को जेडीयू और नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। बता दें कि बिहार की राजनीति 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से कभी शांत नहीं हुई। इसकी प्रमुख वजह सरकार में शामिल दलों के बीच अंतर विरोध रहना है। जदयू और बीजेपी की सरकार में यह समस्या सरकार के शपथ ग्रहण के ठीक बाद से ही रही, तो जेडीयू और आरजेडी की सरकार में भी यह परिपाटी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक पत्र जारी किया है। उन्होंने राजद के सांसद, विधायक, पदाधिकारियों और नेताओं को कहा कि वे गठबंधन सरकार और नेतृत्व के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करें। जगदानंद सिंह ने अपने पत्र में कहा कि पहले ही विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया जा चुका है कि गठबंधन और नेतृत्व पर आधिकारिक बयान देने के लिए सिर्फ तेजस्वी यादव ही अधिकृत हैं, बाकी नेताओं को नहीं बोलना है। ऐसे में पार्टी का कोई भी नेता इन मसलों पर बयान नहीं दे। सवाल ये है कि जगदानंद सिंह को ये पत्र क्यों जारी करना पड़ा? जगदानंद सिंह ने जिस बयानबाजी पर रोक लगाई है, इसकी शुरुआत तो उन्होंने खुद की थी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने ही सबसे पहले मीडिया को कहा था कि नीतीश 2023 में बिहार के सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे और तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। उसके बाद ही पार्टी के दूसरे नेताओं ने इस मसले पर बयान दिया। अब खबर है कि नीतीश को 2025 से पहले कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी की ताजपोशी होगी। मौजूदा परिस्थिति भी इसकी गवाही दे रही है। दरअसल नीतीश जब बीजेपी के साथ थे तब तक जेडीयू ही नहीं, बीजेपी के नेता भी ये ऐलान करते थे कि नीतीश कुमार 2025 तक सीएम रहेंगे। अब आलम यह है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने तो ऐलान कर दिया कि 2023 में नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन नीतीश से लेकर जेडीयू का कोई नेता ये नहीं कह पा रहा कि वे 2025 के विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।